महाराणा प्रताप बी ब्लॉक विकास समिति के बैनर तले क्षेत्रवासियों ने आज जिला कलेक्टर और जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बीते 3 महीनों से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है। क्षेत्र में वाहन रोककर शराब पीने और अवैधानिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस कप्तान से त्वरित कार्रवाई और क्षेत्रवासियों को भयमुक्त करने की मांग की गई है। साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना में क्षेत्र को शामिल करते हुए क्षेत्र में ओपन जिम खुलवाने की मांग जिला कलेक्टर से की गई है। जी, हम लोग महाराणा प्रताप बी ब्लॉक विकास समिति से आए हैं और करीब 2 से 3 महीने में हमारी कॉलोनी में गतिविधियां जो असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही है, गाड़ी में बैठना, शराब पीना और लड़कियों को लाना उधर घुमाना फिराना, उसको लेकर के पूरे कॉलोनी वासी करीब 3 महीने से परेशान है। तो उसको लेकर के आज हम एसपी साहब के पास आए हैं, उनको निवेदन कराया कि गश्त को सुचारू रूप से बढ़ाओ ताकि कॉलोनी वासी को भय है वो दूर हो जाए। और कलेक्टर साहब को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जहाँ हमारी कॉलोनी की मांग करते करते करीब 3 साल हो गए और आज तक ओपन जिम की व्यवस्था नहीं करा पाए, क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो इतना पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है? उसके अलावा क्या कॉलोनी वासियों को एक ओपन जिम की व्यवस्था नहीं मिल सकती है? वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, जो युवा है, वो लोग कितनी दूरी पे जाके और वो अपनी फिटनेस रखेंगे? तो मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से, प्रशासन से, कि वो ओपन जिम की व्यवस्था करावे। उसके लिए हमने 3 बार ज्ञापन दे दिया, आज 4th ज्ञापन फिर दे रहे हैं। जैसा कि सोनी जी ने बताया, ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है और जैसे हम खाना पीना खाते हैं कहीं वहाँ मतलब असामाजिक तत्व ज़्यादा ही फैल रहे हैं। घूमने जाते तो दिक्कत आती है? हाँ, दिक्कत आती है। नाइट में हम घूमने जाते हैं तब वहाँ शराब पीने वाले बैठे रहते हैं और बोतल फोड़ के चले जाते हैं, बोतलें फोड़ के चले जाते हैं। हाँ, घर से भी निकलने में डर लगता है? हाँ, घर से निकलने में हमें डर लगता है। बच्चे हैं उनको भी डर लगता है? हाँ, बच्चों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। मजबूरी हमारी ऐसी कि हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़। मेरा नाम सोना।